गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश ग्रामर. आवर टॉपिक इज भार वन विथ प्लूरल सब्जेक्ट. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 13 भार वन विथ प्लूरल सब्जेक्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. तो देखिए पहले क्या है. नंबर वन, आई पर राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद डू प्लस भार वन एंड देन टर्न देम इन टू द नेगेटिव फॉर्म. यूज शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव्स. इसका मतलब है हमें नीचे जो दिया गया है सेंटेंस 7 उसमें भार वन के साथ डू ऐड करना है और उसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना है. उसके बाद नेगेटिव का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको यूज़ करके लिखना है. यानी कि हमें एक सेंटेंस का और तीन तरीके से उस सेंटेंस को लिखना है. देखिए नंबर वन, दे रीड गुड बुक्स. वो सारे क्या अच्छे किताब पढ़ते हैं. उसके बाद हमें इस सेंटेंस को और तीन तरीके से लिखना है. तो क्या होगा, पहले हमें डू ऐड करेंगे. दे डू रीड गुड बुक्स. वो अच्छे किताबें पढ़ते हैं वो लोग. उसके बाद, और इसमें डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है. दे यानी कि बहुत सारे, तो इसमें डू यूज़ किया गया. अगर ये सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो इसमें डज यूज़ किया जाता. जैसे कि ही शी, एक जो होगा उसमें डज यूज़ होगा. उसके बाद हमें इसको क्या करना है, नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना है. तो क्या होगा, दे डू नॉट रीड गुड बुक्स. वो सारे अच्छे बुक नहीं पढ़ते हैं. उसके बाद डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हमें यूज़ करके और एक सेंटेंस बनाना है. तो क्या होगा, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, DONT. दे डोंट रीड गुड बुक्स. वो सारे अच्छे किताबें नहीं पढ़ते हैं. नंबर टू, मिशा एंड चंकी लर्न देयर लेसन. मिशा और चिंकी क्या कर रहे हैं, अपना लेसन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं. तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस सेंटेंस में डू यूज़ करना है, क्योंकि मिशा और चिंकी दो लड़कियां हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं. तो इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है. ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया. अगर मिशा सिर्फ अकेली होती तो डज होता, यानी और चिंकी भी अगर अकेली लड़की होती तो उसमें डज यूज़ किया जाता. लेकिन इसमें दोनों हैं इसलिए इसमें क्या यूज़ होगा, डू. मिशा एंड चिंकी डू लर्न देयर लेसन. उसके बाद हमें क्या करेंगे, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. तो क्या होगा, मिशा एंड चिंकी डू नॉट लर्न देयर लेसन. इसका मतलब क्या है, मिशा और चिंकी अपना लेसन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं. उसके बाद और एक सेंटेंस क्या हो सकता है, डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है हमें यूज़ करना है. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, DONT. मिशा एंड चिंकी डोंट लर्न देयर लेसन. मिशा और चिंकी अपना लेसन नहीं सीख रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं. नंबर थ्री, वी स्विम इन द रिवर. हम अपने जो रिवर है उसमें क्या करते हैं, स्विम करते हैं, यानी कि तैरते हैं. तो इस सेंटेंस में हम क्या ऐड करेंगे, डू. डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल सब्जेक्ट है. वी यानी कि हम सब, तो इसीलिए इसमें डू यूज़ किया गया है. वी डू स्विम इन द रिवर. उसके बाद उसको हमें और एक सेंटेंस क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस. तो क्या होगा, नॉट ऐड करेंगे. वी डू नॉट स्विम इन द रिवर. हम लोग रिवर में नहीं तैरते हैं. उसके बाद डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है डोंट, DONT, उसको यूज़ करके और एक सेंटेंस बनाएंगे. तो क्या होगा, वी डोंट स्विम इन द रिवर. हम नदी में क्या नहीं तैरते हैं. नेक्स्ट नंबर फोर, आई स्टैंड नियर द बैंक. मैं बैंक के पास खड़ा रहता हूँ. इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, डू ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें डू यूज़ किया जाता है. तो आई डू स्टैंड नियर द बैंक. उसके बाद और एक सेंटेंस क्या होगा, इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या होगा, नॉट ऐड करेंगे. आई डू नॉट स्टैंड नियर द बैंक. मैं बैंक के पास नहीं खड़ा होता हूँ. उसके बाद डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे. डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, DONT. आई डोंट स्टैंड नियर द बैंक. मैं बैंक के पास खड़ा नहीं रहता हूँ. नंबर फाइव, बॉयज टीज लिटिल गर्ल्स. लड़के क्या करते हैं, जो छोटे गर्ल्स होते हैं उनको टीज यानी कि चिढ़ाते हैं. तो उस सेंटेंस में हमें डू ऐड करना है. डू क्यों ऐड होगा, क्योंकि बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, इसमें एस लगा है इसलिए डू हुआ, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू यूज़ हुआ. अगर सिंगुलर होता यानी कि बॉय सिर्फ होता तो इसमें डज यूज़ होता. ऐसे इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है. बॉयज़ डू टीज लिटिल गर्ल्स. उसके बाद और एक सेंटेंस, इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे. बॉयज़ डू नॉट टीज लिटिल गर्ल्स. लड़के छोटे जो गर्ल्स होते हैं उसको नहीं चिढ़ाते हैं. उसके बाद डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, DONT. बॉयज़ डोंट टीज लिटिल गर्ल्स. लड़के छोटे जो गर्ल्स होते हैं उनको नहीं टीज करते हैं यानी कि नहीं चिढ़ाते हैं. नंबर सिक्स, दे लाइक दिस बुक.
वो सब इस बुक को पसंद करते हैं। तो इसमें फिर क्या ऐड होगा, डू। डू क्यों ऐड हुआ, क्योंकि इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, दे यानी कि बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया, दे डू लाइक दिस बुक। उसके बाद इसको हम नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दे डू नॉट लाइक दिस बुक। उसके बाद क्या है, और एक सेंटेंस क्या होगा, डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, डी ओ एन एपोस्ट्रोफी टी। दे डोंट लाइक दिस बुक, वो लोग इस बुक को पसंद नहीं कर रहे हैं। नंबर 7, काउस गिव मिल्क। काउ क्या देता है हमें, मिल्क देता है। तो इस सेंटेंस में हम डू ऐड करेंगे, डू क्यों यू ऐड किया गया है, काउस यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये बहुत सारे काउस को कहा गया है। सिर्फ काउ होता तो इसमें डॉज ऐड होता, डॉज को यूज़ किया जाता, लेकिन इसमें एस है यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है, काउस डू गिव मिल्क। उसके बाद इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, काउस डू नॉट गिव मिल्क, काउ हमें मिल्क नहीं देता। उसके बाद डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, डोंट, डी ओ एन अपोस्ट्रोफी टी। काउस डोंट गिव मिल्क, काउ हमें मिल्क नहीं देता है। तो ये था आज का चैप्टर 13 भार 1 विथ प्लूरल सब्जेक्ट का एक्सरसाइज का आई नंबर डिस्कशन। आज का आपका होमवर्क है, हम जो आज डिस्कस किए हैं आई नंबर, आपको ये कॉपी में करना है। आज का आपका होमवर्क ये है, नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज का डबल आई नंबर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।